विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का तात्पर्य है रुकना। बस स्टॉप पर बस रुकी हुई है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर रुका है, रेल स्टेशन पर रुकी है। जिस प्रकार बस, हवाई जहाज, रेल या धावक रुकते हैं, उसी प्रकार हम अपनी बात कहते हुए बीच में रुकते हैं। यदि हम एक वाक्य लें, रोको मत जाने दो, विराम चिन्ह का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रोको मत जाने दो, रोकने की बात कही, रोको मत जाने दो, ना रोकने व जाने की बात कही। बात कहने में बीच बीच में रुकना ही लेखन की दृष्टि से विराम चिन्ह कहलाता है। बात का सही अर्थ प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह अति आवश्यक है। विराम चिन्ह के प्रकार, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, पूर्ण विराम। बात पूरी होने के बाद या वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे, मैं जाता हूँ, पिताजी आ गए, कल माँ बाजार जाएंगी। अल्प विराम, अल्प का तात्पर्य है थोड़ा सा, वाक्य के बीच में कभी कभी थोड़ा सा रुकना। जैसे, आम, सेब, केले और तरबूज लाए। नीना, रीना, राजू और विवेक सब मित्र हैं। पिताजी बाजार तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर से। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक लगाया जाता है। जैसे, तुम कब आओगे, हम कहाँ जा रहे हैं, आज क्या बनेगा, कौन आया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, हर्ष, शोक, ग्लानि, आश्चर्य के भावों को प्रकट करते हुए विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह अभिवादन हेतु या संबोधन हेतु भी लगाया जाता है। यह वाक्य के बीच में या अंत में भी लगाया जा सकता है। जैसे, शाबाश, बहुत बढ़िया परिणाम आया, हे राम, अब क्या करूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह दो शब्दों या शब्द और वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे, माता पिता, भाई बहन, योजक का अर्थ है जोड़ना। उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण उपनाम या पुस्तक के नाम के लिए लिखा जाता है। दोहरा उद्धरण किसी के कहे शब्दों के प्रयोग में लगता है। जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुलसीदास ने लिखा, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा। कोष्ठक, इस विराम चिन्ह का प्रयोग शब्द के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अभिभावक माता पिता का विद्यालय में आना अनिवार्य है, हमें अपना कार्य गृह कार्य समय पर करना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर अशोक शीघ्र प्रधानाचार्य से मिले। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विस्तार से बताने के लिए किया जाता है। जैसे, हमें निम्नलिखित पाठ याद करने हैं, एक, दो, तीन, चार एवं पाँच। पद पाँच प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। लाघव चिन्ह, संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, डॉक्टर, पंडित, मुंशी। कृपया पृष्ठ उलटिए, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली परिवहन। आओ दोहराएं, बोलते हुए रुकने को लेखन चिन्हों में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह द्वारा बात का सही अर्थ दिया जा सकता है।